एक जादुई जाल वो बहुत चमकता और एनिमल्स उसकी तरफ आकर्षित होते और जैसे ही उसकी तरफ जाते वो सब एनिमल्स गायब हो जाते। ये सब दूर से गोरिल्ला देख रहा था। वो सोचता है, ये सब क्या हो रहा है, ये गायब कैसे हो गए। फिर वो ये बात जंगल के राजा जूनी शेर को बताता है और बोलता है, महाराज महाराज, जंगल के बहुत सारे एनिमल्स गायब हो रहे हैं। जूनी बाघ बोलता है, हाँ हाँ, मैं भी बहुत चिंतित हूँ, आखिर ये क्यों हो रहा है। तुम सब जब भी कहीं जाओगे मुझे बता कर जाना। तभी चीता बोलता है, महाराज महाराज, मुझे पुरानी पहाड़ी पर जाना है जड़ी बूटियाँ लेने। जूनी शेर बोलता है, हाँ हाँ ठीक है, ध्यान से जाना, वो रास्ता हमारे दुश्मन का है। चीता वहाँ जाता है और देखता है भालू और रंगीन बाघ आपस में बात कर रहे हैं। भालू बोलता है, महाराज आप सब एनिमल्स को गायब कर रहे हो, जूनी शेर के जंगल के एनिमल्स आधे आपके पास हैं, आप जल्दी जल्दी जूनी शेर को भी मार डालो और जंगल के राजा बन जाओ। चीता बोलता है, ये भालू दुश्मन से मिला हुआ है, मुझे महाराज को बताना होगा। वो जूनी शेर के पास जा ही रहा था तभी जादुई जाल उसके सामने आता है और वो अलग ही दुनिया में चला जाता है और देखता है सभी एनिमल्स यहाँ कैद हैं। फिर एक भालू बोलता है, तुम्हारे ऊपर उस मणि का जादू नहीं चला, तुम जाल के अंदर नहीं आ पाए। बाघ ने भालू को एक मणि दी है, वो मणि भालू से ले लो, हम सब आजाद हो जाएंगे। वो चीता भालू के पास चुपके से जाता है और भालू को मार कर उस मणि को ले लेता है। तभी जूनी शेर के पास रंगीला बाघ और उसकी सेना आती है। रंगीन बाघ बोलता है, तुम्हें अब कोई नहीं बचा सकता। शेर बोलता है, मैं अपनी आखिरी सांस तक जंगल की रक्षा करूँगा। तभी वहाँ चीता और सभी एनिमल्स आते हैं। रंगीन बाघ देखकर चौंक जाता है और फिर सब एनिमल्स मिलकर रंगीला बाघ और उसके सिपाहियों पर अटैक करते हैं। फिर रंगीन बाघ और उसके सिपाही वहाँ से चले जाते हैं। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। एक शैतानी दुनिया का जंगल और एक पृथ्वी का जंगल। शैतानी दुनिया के जंगल में हमेशा अंधेरा ही रहता है। यहाँ के एनिमल्स के पास शैतानी शक्तियाँ होती हैं और यहाँ जंगल का राजा शैतानी राजा है। वो मुंह से आग निकालता है और कुछ मासूम एनिमल्स को खा जाता है। ये मासूम एनिमल्स वो पृथ्वी से मंगवाता है और उन्हें खा जाता है। पृथ्वी का जंगल बहुत शांति वाला, यहाँ पक्षियों के चहचहाने की आवाज आती है, सब एनिमल्स प्यार से रहते हैं। पर यहाँ के जंगल का राजा जूनी शेर होता है, वो बहुत अच्छा और शक्तिशाली राजा होता है। उसके पास भी कुछ शक्तियाँ होती हैं, लेकिन वो अपनी शक्तियों का प्रयोग सिर्फ जंगल के भले के लिए करता है। फिर एक दिन भालू देखता है कोई जंगल में आता है और चीता को उठाकर ले जाता है, और वो कोई और नहीं शैतानी दुनिया से आए होते हैं। वो चीता को शैतानी शेर के पास ले जाते हैं और शैतानी शेर उसे खा जाता है। लेकिन शैतानी बाघ बताता है, महाराज महाराज, मुझे वहाँ जंगल में भालू ने देख लिया, वो जरूर जूनी शेर को बता देगा। जंगल में एनिमल्स की चोरी शैतानी जंगल के लिए हो रही है। शैतानी शेर बोलता है, अरे तुम टेंशन मत लो, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। फिर भालू शेर के पास आता है और बताता है, महाराज जो जंगल से एनिमल्स चोरी हो रहे हैं वो कोई और नहीं
शैतानी शेर के लिए हो रहे हैं। जूनी शेर बोलता है, अच्छा उस शैतानी शेर को सबक सिखाता हूँ, अब तो शैतानी दुनिया में जाना ही पड़ेगा, तुम तैयारी करो मेरे जाने की। फिर भालू और जूनी शेर शैतानी जंगल पहुँच जाते हैं और शैतानी शेर से मुकाबला करते हैं, और जूनी शेर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और शैतानी शेर भी अपनी शैतानी शक्तियों का इस्तेमाल करता है, लेकिन शैतानी शक्तियाँ हार जाती हैं और शैतानी शेर मर जाता है। जूनी शेर ने जंगल के एनिमल्स को पृथ्वी पर लेकर आता है और सभी एनिमल्स बहुत खुश होते हैं और जूनी शेर को थैंक यू बोलते हैं। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, थैंक यू।